कि हम कुछ टाइप करना चाहते हैं कुछ और, शो करना चाहते हैं कुछ और। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अमाउंट है, तो अभी क्या है कि मुझे इसमें टाइप करना है एमआरपी 1500। अगर हमने एमआरपी 1500 को टाइप कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इस पे किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता। फिरोज जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो हम चाहते क्या है कि यहां हो 1500 ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं, लेकिन शो हो एमआरपी 1500। तो उस केस में अभी हम जाएंगे कहां पे, नंबर के कस्टम में हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और फॉर्मेट सेल में नंबर वाले में यहां हमारा कस्टम है। कस्टम फॉर्मेटिंग में हमारे पास यहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने एमआरपी रख दिया। देखिए कहीं भी अगर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज जरूरी होता है, क्योंकि बगैर इन्वर्टेड कॉमा का वो एज ए कमांड समझता है, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है। अगर मैंने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा के छोड़ दिया तो आप यहां देखेंगे कि सिर्फ एमआरपी शो हो रही है, आपका नंबर शो नहीं हो रहा है। नंबर तभी शो होगा जब इसके आगे आप हैश हैशटैग जो होता है हैश की होता है वो हैश की या फिर जियो डाले, तो हैश कब डालेंगे और जियो कब डालेंगे, चलिए इस पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने अभी हैश डाला तो अगर मैं यहाँ पे अगर 5 लिखा फिर भी यहाँ पे मार्फी 5 ही आएगा, लेकिन जैसे कि मुझे 0 मेंटेन करना है, मुझे 0 5 करना है, दो डिजिट मेंटेन करना है, तो उस केस में दो बार हम 0 डालेंगे फिर ओके करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ 0 मेंटेन होगा। अगर मैंने 50 डाला तो कोई बात नहीं, 5 आने डाला तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे 1 डिजिट डालूंगा तो आगे डिजिट लग जाएगी और हमें जो है यहाँ पे इस तरह का दिखे। लेकिन ध्यान रखिएगा जस्ट ए विजुअल है, ओरिजिनल आपका 2 और 5 ही है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम विजुअल रखें और कैलकुलेशन भी कर सके। खासकर इनवाइसेस वगैरह पे ऐसा होता है कि हमें दिखाना कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है, जैसे कि रुपीस का साइन लगाना, एमआरपी लगाना, डिस्काउंट लगाना वगैरह वगैरह। अब जैसे कि अब अगर क्या मैं इसमें मल्टीपल रख सकता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पे अमाउंट है तो अगर प्लस में वैल्यू हुई तो वो हमारा पे करना है, हमें यहां पे पे लिख सकते हैं। माइनस में कुछ हुआ तो फिर ये हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो हम यहां पे जैसे कि अगर हमने 150 लिखा तो ये 150 नहीं, ये शो होना चाहिए था कि यहां पे कि पे या पेबल अमाउंट या पे जो भी लिखना चाहता हूं मैं 150 आना चाहिए। अगर मैंने माइनस में 85 लिखा तो यहां पे डिस्काउंट 85 आना चाहिए, तो कुछ इस तरह शो करना है। तो ऐसी चीजें भी की जा सकती है। तो जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि इसके पार्ट होते हैं, बेसिकली इसके 4 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड टेक्स्ट। जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया पे, तो ये पे किसका पार्ट हो गया, पॉजिटिव का हो गया, मतलब जहां जहां पॉजिटिव नंबर है उसके आगे पे लग के आ जाएगा। फिर मैंने सेमी कॉलन दिया यहां पे और यहां पे मैंने डिस्काउंट डाला, तो जहां जहां निगेटिव नंबर आएंगे वहां वहां डिस्काउंट आ जाएगा। बाकी अगर तीसरा चाहिए तो सेमीकोलन देके 0 के लिए या फिर सेमीकोलन करके टेक्स्ट में डाल सकते हैं सिक्वेंसली। फिलहाल मुझे पे और डिस्काउंट ही चाहिए, फिर मैं इसको ओके करता हूं। अब यहां पे अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूं तो ये देखिए पे आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि आपको वैल्यू तभी दिखेगी जब आप हैश या 0 डालेंगे।
मैं यहाँ सेमी कॉलन से पहले हैश डाल देता हूँ और डिस्काउंट के बाद भी हैश डाल देता हूँ या जियो डाल देता हूँ, वो आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्यों डालेंगे आपको मैंने समझा ही दिया। अब यहाँ पे देखिए पे 565 आ रहा है, अगर मैंने माइनस में कुछ लिख दिया तो यहाँ पे डिस्काउंट 965 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिख रहा। तो माइनस का साइन भी आप दिखाना चाहते हैं तो सेम कस्टम फॉर्मेटिंग में आप जो है हैश से पहले माइनस का साइन दे दीजिए, तो यहाँ आप माइनस का साइन भी दिखेगा। तो सोनू जी एंड राम सेवक जी एंड फिरोज जी, कोई डाउट इसमें आपको? आ गया ना? तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। इसका यूज और कहां कहां हो सकता है? तो बेसिकली इसका यूज हम लोग करते थे। एक और जगह था बायोमेट्रिक अटेंडेंस में, क्या था कि हमारा एक सॉफ्टवेयर था वो हमें अटेंडेंस का डेटा देता था कुछ इस तरह से, और उनको प्रिंट आउट निकाल के हमें अपने एचआर टीम को देना होता था। मेल पे नहीं, उनको प्रिंट आउट चाहिए होती साइन के साथ प्रूफ के लिए, क्योंकि हम मेल कर देंगे तो मेल का, क्योंकि उसकी उसी कॉपी को उनको फिर वहाँ भेजना होता था ना, जो लेवल फंड है ये साइन कर रहा है वहाँ भी भेजना होता था, इसलिए वो जो है साइन कॉपी मांगते थे। तो यहाँ पे वो डेट इस तरह से डालते थे, तो उनका जो डेटा था वो हमें ये नहीं देते थे कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो हमें देते थे कि उसने अपने कार्ड को या फिर बायोमेट्रिक फॉर्म को कितना बार यूज किया है, काउंट मिलता था। और जिस दिन वो यूज नहीं करते थे उस दिन वहां उनका नंबर जीरो आता था इस तरह से, इस दिन जो है यहां पे जीरो होता था। तो अब क्या था कि जो जीरो है उसको हमें परसेंट शो करना है, जहां पे जीरो है वहां पे हमें परसेंट शो करना है, और जहां नंबर्स है, सॉरी माफ कीजिए मैं गलत बोल गया, जहां पे जीरो है वहां पे हमें अब्सेंट शो करना था, और जहां पे नंबर है वहां हमें शो करना था परसेंट, अब्सेंट एंड परसेंट। मतलब कि अगर कोई नंबर से मतलब उसने अपना कार्ड को या थंब को या कार्ड को जो है यूज किया है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट था उस दिन, जहां जीरो है इसमें वो प्रेजेंट नहीं था। तो हमें इसकी प्रिंट आउट लेनी थी और मुझे इसको प्रेजेंट और ऑब्सेंट में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या करते थे, इसमें किसमें हम इस पे राइट क्लिक करते थे और जाते थे फॉर्मेट सेल पे कस्टम पे या इन्वर्टेड कॉमा में, यहां पे हम देते थे पी, क्योंकि हम जानते थे कि पहला पोजीशन जो है वो पहला पोजीशन है पॉजिटिव का, तो हमने यहां पे पी डाल दिया। उसके बाद अगला आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इसमें कुछ है नहीं तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूं। तीसरा पोजीशन होता है वो आता है हमारा जीरो का, तो यहां पे ए कर देता हूं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में मुझे पी और नेगेटिव तो है ही नहीं और जीरो पे ए चाहिए, तो हमने नेगेटिव को ब्लैंक छोड़ दिया और यहां पे ए डाल दिया। और फिर ओके, इसको हम ओके करते हैं और इसको प्रिंट आउट कर देते हैं। फिर भी मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी कस्टम फॉर्मेटिंग हो या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, आपका जस्ट विजुअल चेंज होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। चेंज होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है, इसका ध्यान आप हमेशा रखें। तो ये जो आपको पी दिख रहा है ये जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल में ये आपका नंबर ही है,
यहां देखिए 5, समझ गया है?